क्या गजब की लाइन है ना, जो दुनिया के लिए मिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री है। राम राम बोलना पड़ेगा भाई कमेंट में। राम सेतु, राम सेतु एक अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की निशानी है। राम सेतु एक पतिव्रता स्त्री सीता माता की निशानी है। राम सेतु एक अथाह भक्ति करने वाले बजरंग बली की निशानी है। राम सेतु एक निस्वार्थ सेवा करने वाले लक्ष्मण भैया की निशानी है। राम सेतु धर्म के रखवाले भरत भैया की निशानी है, जिसने अपने भैया के लिए सारे राज सुख वैभव को त्याग 14 वर्ष तक खुद जंगल में रहकर गुजारे। राम सेतु एक कठोर वचन का पालन करने वाले राजा दशरथ की निशानी है। राम सेतु उस ममता मई माँ की निशानी है, जिसने अपने बेटे के इंतजार में आंसुओं की नदियां बहा डाली। राम सेतु उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की निशानी है, जिसने अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए एक ही पल में खुशी खुशी सारे राजपाट को त्याग कर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। इसी राम सेतु पे एक मूवी आ रही है, जिसका टाइटल ही राम सेतु है। इसमें अक्षय कुमार और जैकलिन लीड रोल में है। राम सेतु के टीजर में अक्षय कुमार बोलता है कि राम सेतु को बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचा है। अब इसमें खतरा क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। खैर ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये वही राम सेतु है जिसको प्रभु श्री राम ने लंका पार जाने और पापी रावण से माता सीता को छुड़ाने के लिए बनवाया था। ये राम सेतु पत्थरों से निर्मित है, जो कि नल और नील के टैलेंट से बना है। लेकिन इसको हम टैलेंट भी नहीं कह सकते, क्योंकि नल और नील को एक ऋषि मुनि द्वारा श्राप मिला था कि वो दोनों जिस भी वस्तु को अपने हाथों से पानी में फेंकेगा वो कभी डूबेगा ही नहीं। तो इन्हीं दोनों के चलते उस अथाह समुद्र में पत्थरों से सेतु बनाया गया। टीजर में अक्षय कुमार समुद्र के अंदर जाता है कुछ पता लगाने के लिए। अब ये जगह राम सेतु भी हो सकता है या द्वारका नगरी भी, क्योंकि श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र के अंदर डूब गई थी। टीजर काफी धमाकेदार है, इसमें एक्शन है, विजुअल्स भी काफी अच्छे हैं और अक्षय कुमार भी कुछ अलग ही लेवल के दिखाई दे रहे हैं। और इस मूवी को कुछ इंटरेस्टिंग बनाता है तो वो है राम सेतु। बिल्कुल इसी तरह इंटरेस्टिंग मूवी अभी अभी रिलीज हुई जो खूब चली, कार्तिकेय 2। यह भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की खोज की जाती है। राम सेतु भी खूब धमाल मचाएगी, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे मूवी बनी है। और वैसे भी दर्शक रीमेक फिल्म को देख देख कर बोर हो गए थे, अब कुछ नया देखने को मिलेगा। बॉलीवुड अब थोड़ा ऊपर सोचने लगा है, पहले सीतारामम, ब्रह्मास्त्र, चुप और अब राम सेतु। लेकिन राम सेतु फिल्म न चलने का एक कारण हो सकता है, और इसी कारण लोग इसे बायकॉट भी कर सकते हैं। वो कारण है अक्षय कुमार का विमल पान मसाला वाला एड। बाकी इस फिल्म को और किसी से खतरा नहीं है, लेकिन यह फिल्म खूब चलेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि यह फिल्म राम सेतु के कॉन्सेप्ट पे बनी है, तो चलना तो पक्का है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, और शायद उसी दिन थैंक गॉड मूवी भी रिलीज हो रही है। बाकी मैं राम सेतु के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप कितने एक्साइटेड हो ये जरूर बताइएगा नीचे। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नीचे लाल वाले बटन को दबा के बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।